गुड मॉर्निंग क्लास 5, हाउ आर यू? सो दिस इज योर हिंदी पीरियड. टेक आउट योर हिंदी लिटरेचर बुक. भाषा पद. नाउ क्लास ओपन योर बुक. नाउ क्लास कम टू पेज नंबर 34. Today we are starting this poem, Nanna Beej. Okay. अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था. नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था. तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई. आंख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई. खाद मिली, पानी भी पाया, ऐसा जीवन आया. ऊपर बढ़ा उधर, धरती में नीचे इधर समाया. तने डालियां पत्ते आए और फूल मुस्काए. नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए. जीता मरता रोगी होता, दुख अपने पर रोता. वृक्ष सांस लेता बढ़ता है, जगता है फिर सोता. रोज शाम को चिड़िया आती, सारी रात बिताती. बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर ची 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 गाती. छाया आती बड़ी सुहानी, सब टोली जुट जाती. तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाती. अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था. नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था. कवि क्या कह रहे हैं क्लास, कि अंकुर मिट्टी में सोया. अंकुर किसे बोलते हैं? हम जब बीज डालते हैं हम उसको बोलते हैं हम. जब अंकुर उसमें से, जब बीज फूटता है और उसमें से अंकुर निकलने लग जाते हैं, तो उसको बोल रहा है वो कि अंकुर मिट्टी में सोया हुआ था और सपने में खोया हुआ था. जब नन्ना बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था. नन्ना बीज हम क्या करते हैं, बोते हैं ना, फिर वो क्या होता है, उससे अंकुर फूट जाते हैं. तो वही बात यहाँ पे हो रही है. तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई. तभी बीज ने क्या ली, एकदम से अंगड़ाई ली. ठीक है, देह मतलब शरीर उसका, थोड़ा सा शरीर उसका दिखने लग गया. जब अंकुर बाहर आ जाता है, अंकुर फूटते हैं, तो क्या होता है, पौधे हमें क्या, बीज में से क्या निकल जाते हैं, अंकुर निकल जाते हैं. तो हमें धीरे धीरे ऐसी पौधा बड़ा होता हुआ दिखाई देता है ना. आंख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई. जब बीज आंख खोल के बाहर आया, अंकुर निकले उसमें से, वो बाहर आए, तो कहने का मतलब क्या है कि अब बीज ने क्या ले लिया, एक तरीके से जन्म ले लिया है. अब पौधे ने जन्म ले लिया है बीज में से, सॉरी. तो अब उसको क्या दे रही है, दुनिया दिखाई देने लगी है कि बाहर की दुनिया कैसी है. खाद मिली, पानी भी पाया, ऐसा जीवन आया. फिर उसको क्या मिली, खाद भी दी सबने. जैसे हम अपने गार्डन में क्या करते हैं, प्लांट्स उगाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, खाद भी डालते हैं ना, पानी भी देते हैं. तो ऐसी तभी क्या होते हैं, वो प्लांट्स बड़े होते हैं, अच्छी तरह से उगते हैं. तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है. ऊपर बढ़ा उधर, धरती में नीचे इधर समाया. फिर क्या होता है, पेड़ क्या करता है, ऊपर भी बढ़ना शुरू कर देता है और धरती में भी क्या होता है, नीचे उसकी क्या होती है, रूट्स क्या हो जाती हैं, फैलने लग जाती हैं. तने डालियां पत्ते और फूल मुस्काए. तने मतलब पेड़ का ये जो तना होता है, इसको बोलते हैं पेड़ का तना. डालियां, ये जो उसकी शाखाएं निकली हुई होती हैं, ये डालियां होती हैं. पत्ते तो आप सभी को पता है, लीव्स को बोलते हैं. और फूल भी क्या आप लोगों को पता होंगे, फ्लावर्स को बोलते हैं. ओके, मुस्काने लग गए, मतलब अब सभी चीजें उस बीज में से, इतने सारे, मतलब वो बीज इतना बड़ा हो चुका था अब कि वो उसके क्या क्या निकल गए थे, तने, डालियां, पत्ते और फूल, सब कुछ निकलने लग गए थे. नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए. अब नन्हा बीज क्या हो गया है, वृक्ष बन गया है, अब पेड़ बन गया है वो. ठीक है, और धरती पर क्या कर रहा है, लहरा रहा है. हवा में क्या होते हैं, पत्ते हिलते हैं ना पेड़ों के. जीता मरता रोगी होता, दुख अपने पर रोता. वृक्ष सांस लेता बढ़ता है, जगता है फिर सोता. क्लास, जैसे पेड़ों पर कोई भी कठिनाइयां आती हैं, तो वो अपने आप क्या करता है, चाहे रो के चाहे हंस के, अपने दुख को क्या करता है,
झेल लेता है अकेले, और सांस लेता रहता है, और फिर सोता भी है जगता भी है। ठीक है। रोज शाम को चिड़िया आती, सारी रात बिताती। रोज शाम को क्या आती है, चिड़िया आती है ना पेड़ों पर, और क्या करती हैं, फिर पेड़ों पर ही सो जाती हैं, सारी रात बिताती हैं। बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर चींची चींची गाती, और सुबह क्या करती हैं, जब जगती हैं वो पेड़ों पर ही, तो फिर क्या करती हैं, चींची चींची करती हैं। छाया आती बड़ी सुहानी, सब टोली जुट जाती, फिर क्या होती, छाया आ जाती है एकदम से। सुहानी मतलब अच्छी सी छाया आ जाती है, और टोली मतलब बच्चों के झुंड को, बच्चों के समूह को बोलते हैं कि टोली जुट जाती। जब छाया हो जाती है पेड़ों के नीचे, तब हम लोग भी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सब क्या करते हैं, पेड़ों के नीचे खेलते हैं ना, तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाती। बच्चों की टोलियां क्या करती हैं, तरह तरह के खेल खेलती हैं पेड़ों के नीचे बैठ के, है ना। तो इस पोम को पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें विकास के लिए लगातार परिश्रम करना चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ में विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो हमें उस चीज़ को पाने के लिए क्या करना चाहिए, मेहनत करते रहनी चाहिए। ओके, नाउ आई एम रीडिंग, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था, तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई, आंख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई, खाद मिली पानी भी पाया, ऐसा जीवन आया, ऊपर बढ़ा उधर, धरती में नीचे इधर समाया, तने डालियां पत्ते और फूल मुस्काए, नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए, जीता मरता रोगी होता, दुख अपने पर रोता, वृक्ष सांस लेता बढ़ता है, जगता है फिर सोता, रोज शाम को चिड़ियां आती, सारी रात बिताती, बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर चींची चींची गाती, छाया आती बड़ी सुहानी, सब टोली जुट जाती, तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाती। आई होप आप सभी को ये पोम अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ क्लास, आपको ये पोम अच्छे से रीड करनी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।